गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू RCI एज हब ऑनलाइन क्लासेज बानसूर। तो स्टूडेंट, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है। सभी टाइप के जो भी एजुकेशन, जो भी सिस्टम है, स्कूलें हैं, शिक्षण संस्थानें हैं, वो भी बंद हैं और आप लोग भी घर पे हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन अब हम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे, और यही हमारी मनोकामना है, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और माँ सरस्वती को ध्यान करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल वो ट्वेल्थ केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो है इंग्लिश मीडियम, उसमें हमारे पास में जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स जो होता है एग्जाम में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखना यह है स्टूडेंट कि केमिकल काइनेटिक्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है और ये जो वर्ड आया आपके पास में ये आया कहाँ से। ठीक है, तो देखना ये होगा कि केमिकल काइनेटिक्स, तो देखो जी, काइनेटिक्स जो होता है ये द डेराइव्ड फॉर्म ग्रीक वर्ड्स काइनेसिस, किसका, कि ये जो काइनेसिस जो वर्ड है इसका ही एक आपके पास में डेराइव्ड फॉर्म होता है और जिसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन होती क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म एंड डिफरेंट अफेक्टिंग फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया कि सर कहना क्या चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास में जो है ये जो डील करेगी, ये करेगी एक तो रिएक्शन की रेट, किसके बारे में बता रही है, रिएक्शन की रेट के बारे में बता रही है और इसकी मैकेनिज्म के बारे में बता रही है, और रिएक्शन की जो रेट होगी या रिएक्शन जो होंगी केमिकल रिएक्शन से, उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो आपके पास में आया रिएक्शन रेट, तो हम सबसे पहले रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस जो होंगी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास में जो रिएक्शंस जो होंगी वो 3 टाइप्स की होंगी। यहाँ पर रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, हम ये बोल सकते हैं सर जी, यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्शंस होंगी वो 3 टाइप की होंगी, और ये जो रिएक्शंस जो होंगी ये होंगी ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखना, यहाँ पर आपके पास में जो रिएक्शंस होंगी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, अब ये भी बोल सकते हो सर जी इसके आगे कि सर जी हमारे पास में जो रिएक्शन जो होगी उसकी रेट क्या होगी। ठीक है, अब रेट का मतलब आप देखो, इसको अगर नॉर्मल भाषा में हम बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं स्पीड। क्या बोल सकते हैं? स्पीड बोल सकते हैं भाई। अब देखना कि सर जी यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप की होती हैं, तो भाई ये आपके पास में होती हैं 3 टाइप की। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। फर्स्ट, सेकेंड और फिर कौन से आ जाएंगे पास में? थर्ड। फर्स्ट जो रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शंस का जो नाम होगा वो होंगे हमारे पास में आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, दूसरे टाइप के जो रिएक्शंस होंगे हमारे पास में, देखो इसी रिएक्शंस का, आयनिक रिएक्शन का दूसरा नाम है फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, और इन्हीं रिएक्शंस का तीसरा नाम हो सकता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा, अभी बताते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरी आएंगी वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन आपके आ रही हैं वो आएंगी स्लो रिएक्शंस। स्टूडेंट, आयनिक रिएक्शंस या फिर बोलें इनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस या फिर बोलें आप इनको फास्ट रिएक्शंस, सर इनका मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शंस हैं, आप ये बोल सकते हो ऑल टाइप्स ऑफ आयनिक रिएक्शन आर, तो जितनी भी आपके पास में आयनिक रिएक्शंस होंगी वो सभी क्या होंगी? इस टाइप की रिएक्शंस होंगी। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, पहला। दूसरा,
कि सर ये जो रिएक्शंस जो होती हैं अब आयनिक रिएक्शन है तो इनकी जो रेट जो होगी, इनकी जो स्पीड जो होगी, इनके प्रोसीड जो होने की, कंप्लीट होने की जो रेट जो होगी, स्पीड जो होगी स्टूडेंट, वो क्या होगी? बहुत ही फास्ट होगी। हम ये बोल सकते हैं सर इसको कंप्लीट होने में 1 सेकंड से कम समय लगता है। हम ये बोल सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ आईज, आँखों की पलकों का झपकना, कि जितने समय में आँखें की पलकें झपकती हैं ये रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत ही तीव्र गति से, हम बोलें बहुत ही तेज स्पीड से क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस रिएक्शन आर प्रोसीड वेरी हाई स्पीड सो वी कैन नोट, या फिर बोलें विच कैन नोट मेजर जनरल मेथड, कि आपके पास में जो जर्नल मेथड होंगे उसके थ्रू आप इसकी रेट को मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि इनकी स्टडी नहीं कर सकते। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स जैसे ऑल आयनिक रिएक्शंस हैं, तो आयनिक रिएक्शन पे क्या क्या जाएगा? NaCl और क्या जाएगा? AgNO3 एक्वेटिक मीडियम में है, ये क्या बना लेगा? देखो स्टूडेंट, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, प्लस माइनस को एक साथ का निकाल देंगे बाहर, तो सोडियम नाइट्रेट प्लस में AgCl बनेगा। तो ऑल जितनी भी आपके पास में आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही फास्ट स्पीड से प्रोसीड होती हैं, तो इनकी रिएक्शन की रेट को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं हम वेरी स्लो रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस जो होती हैं हमारे पास में, ये बहुत ही स्लो स्पीड से प्रोसीड होती हैं, बहुत ही स्लो स्पीड से कंप्लीट होती हैं, और ये जो रिएक्शंस जो होती हैं ये लगभग हम ये बोलें कि ये जो रिएक्शंस जो होती हैं बहुत ही मैनी मंथ हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं उनमें क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। तो ये जो रिएक्शंस होंगी ये वेरी स्लो क्या होंगी? वेरी स्लो स्पीड होगी, बहुत ही स्लो स्पीड से क्या होंगे? प्रोसीड होंगी, और इन रिएक्शन की रेट को भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कई वर्षों में, कई ईयर्स में जाकर ये कंप्लीट होती हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? कि लोहा जो होता है हमारे पास, आयरन जो होता है उस पर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, वो लेयर उसके चारों तरफ कवर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगना। ठीक है, अब मान लो हम बात करें स्लो रिएक्शंस की स्टूडेंट, तो ये जो रिएक्शंस जो होती हैं इन रिएक्शंस का दूसरा नाम भी होता है मॉडरेट रिएक्शन, जो हमारी NCERT में दिया हुआ है। क्या होता है? मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं स्टूडेंट। अब मॉडरेट रिएक्शन तो है सर, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन जो होंगी ये आपके पास में, इनके पास में जो होगा एक डेफिनेट टाइम में कंप्लीट होती हैं, कुछ मिनट ले सकती है या सम हावर्स हो सकते हैं या सम डे हो सकते हैं, उनमें कंप्लीट होंगी, और इन रिएक्शन की रेट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो सवाल बनेगा, या फिर बोलें इसका एग्जांपल जो है वो आपके पास में क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ परोक्साइड, या फिर बोलें डीकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है आपके पास में, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब H2O2 को आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, डिकम्पोज करना है, तो देखो ऐसे होगा कि 2H2O2 ये डिकम्पोज होगा, यहाँ पर आपके पास में एक तो बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल और क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। अब देखो रिएक्शन क्या बैलेंस है क्या, अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बताओ यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 2×4, यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। अब क्या है रिएक्शन बैलेंस है क्या? हाँ बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होंगी बहुत ही स्लो स्पीड से क्या होती हैं? प्रोसीड, मतलब कि बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि सिर्फ स्लो स्पीड से प्रोसीड होंगी और एक डेफिनेट टाइम में कंप्लीट होती हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, या फिर बोले डीकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज हो जाएगा। और इनकी जो रिएक्शन की जो रेट होगी उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, या इन रिएक्शन की स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस ये बनता है कि आपसे बोला जाएगा कि बताओ कौन सी टाइप की रिएक्शन है जिसकी रेट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं या उस रिएक्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपके पास में? स्लो रिएक्शन, या फिर बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अब देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, तीन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी आ रही हैं आपके पास में? आयनिक रिएक्शन। दूसरी कौन सी आ रही है? वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरी कौन सी आ रही है? स्लो रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? मॉडरेट रिएक्शन। अदर नेम से भी इनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें बस एक ही क्वेश्चन याद करना है, और क्वेश्चन क्या बनता है कि बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन की स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं, या फिर उस रिएक्शन की रेट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके बाद में जो हम सेकेंड टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का टॉपिक नंबर सेकंड है ये जो आपके पास में होगा। ये तो अभी आप बोल रहे हो रिएक्शंस, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे रिएक्शन रेट। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिएक्शन की रेट होती क्या है, है ना। तो यहां पर लिखेंगे रिएक्शंस रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन, जो ये रेट जो होती है, आप चाहो तो इसको केमिस्ट्री में से देखा जाए तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सर ये होता क्या है हमारे पास में? तो स्टूडेंट कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, मान लो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ली, केमिकल रिएक्शन, और वो क्या होगी, आर से किस में कन्वर्ट हो रही होगी? टी में। मतलब कि ये हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा पास में है प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जब कन्वर्ट होती है तो इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो स्टूडेंट अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शंस की, इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शंस। कैसे? इधर देखना, आर इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। इधर देखना स्टूडेंट, इसको बोलेंगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम। अब देखना यहां पर जो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस प्लस, और ये आपके पास में आएगा डेल, और यहां पर क्या लोगे, आर, और यहां पर क्या आ जाएगा डेल टी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, यहां पर ये लिख सकते हो आप पी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सर अगर रिएक्टेंट आएगा तो हमें क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट आएगा तो हमें क्या लगाएंगे। तो इधर देखना स्टूडेंट, आपके पास में इधर देखो कोई भी एक रिएक्शन जब प्रोसीड होती है, आर से किस में जा रही है, पी में जा रही है मान लो। अब ये जो रिएक्शन है, माना कि टी बराबर जीरो सेकेंड पर इस रिएक्शन की जो कंसेंट्रेशन जो होगी वो कितनी है, 10 mol/L। तो t बराबर जीरो पर जब आपके पास में रिएक्टेंट 10 है तो प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। अब t बराबर 1 सेकंड की बात करें तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 9, ये कितना हो जाएगा, 1। t बराबर 2 सेकंड बात करें तो ये कितना हो जाएगा पास में, 8, ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 7, ये कितना हो जाएगा, 3, ये 6, ये 4, ये 5 और ये 5 इस टाइप से। तो स्टूडेंट बताओ टाइम के साथ साथ जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? तो देखो 10 से कहाँ पर आ गई, 5 पर, तो ये तो क्या होगी आपके पास में, डिक्रीज होगी। क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज होगी आपके पास में। हम ये बोल सकते हैं सर जी ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, और ये हमारे पास में क्या होगी, ये हमारे पास में होगी इंक्रीज। तो अब ये देखना है कि सर जी हमारे पास में अगर रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखना हो, रेट ऑफ प्रोडक्ट लिखना हो, तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे। तो इधर देखना आर, मैं सीधा लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट,
ठीक है। अब रिएक्टेंट की रेट हमें लिखनी है, तो देखो क्या लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, इस प्लस का मतलब होता है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, और इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो बताओ इंक्रीज कंसंट्रेशन किसकी है, प्रोडक्ट की, और डिक्रीज किसकी हो रही है, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट के पहले क्या आएगा, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के पहले क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि सर जी टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और इस नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए हम इसके बाहर माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। तो इधर देखना ये कैसी होगी, ऑलवेज ए पॉजिटिव। स्टूडेंट ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर आपके पास में आर नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, और हम इसके क्वेश्चंस भी अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास में आपको आर का फॉर्मूला लिखना है, इधर देखें, तो R जो होगी आपके पास में क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम, ठीक है। अब आपको सबसे पहले यहां पर क्या लिखना, रेट ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, R जो हम निकाल रहे हैं उस किसकी निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट की निकाल रहे हैं, और यहां पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि हमें पता है कि सर जी टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर डिक्रीज हो रही है तो हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। तो सबसे पहले क्या लगा दोगे, माइनस, उसके बाद में क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, टाइम टेकन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टाइम टेकन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये हुआ, अगर देखो एक रिएक्शन आपको दी गई है और इस रिएक्शन में आपको लिखना है R से क्या जा रहा है, P जा रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास में, रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपके पास में सबसे पहले क्या लगोगे, माइनस का साइन, और चेंज जब भी आता है तो आप क्या लगाते हो, इसको डेल बोलते हो, डिफरेंस, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, और किसकी कंसंट्रेशन ले रहे हो, रिएक्टेंट की, तो क्या लिख दोगे, आर अपॉन, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम टेकन चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये क्या जाएगा, डेल टी। वापस से देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी आपके पास में क्या होगी, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगला आपके पास में आ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि आर पी की निकालनी है, तो हमें करना क्या होगा, देखो ये क्या होती है आपके पास में स्टूडेंट, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ये क्या होगी हमारे पास में, डिक्रीज होगी, और इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या लगाएंगे, साइन प्लस, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या आएगा, टाइम टेकन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पर क्या आएगा, टाइम टेकन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आगे चलते हैं, क्या लगाओगे सबसे पहले, प्लस, फिर क्या करोगे आप यहां पर, ये क्या लगाओगे, डेल, और यहां पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल टी। स्टूडेंट यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं लिख रहा हूं ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला हो गया आपके पास। तो स्टूडेंट वापस से देखते हैं एक बार थोड़ा सा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो सर होती है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा कैसे होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें पता है टाइम के साथ साथ जब रिएक्शन
प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रिएक्टेंट के जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट निकालते हैं, तो उससे पहले क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, और जब हम प्रोडक्ट का निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इसका प्लस का लगाते हैं, क्योंकि सर ये किसको दर्शा रहा है, डिक्रीजिंग, और ये किसको दर्शा रहा है, इंक्रीजिंग। ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन और ये रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कितने टाइप की होती है हमारे पास में, 3 टाइप्स की होती हैं, किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ रेट। सबसे पहले कौन सी आएगी, आयनिक रिएक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी नाक के बराबर टाइप, ये बोला ट्विंकलिंग ऑफ आई, जैसे हमारी आंखों की पलकें झपकती हैं, इतने में क्या होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ऑल आयनिक रिएक्शंस होंगी, इसका एग्जांपल्स होंगी, और इस रिएक्शन की रेट को हम मेजर नहीं कर सकते, इनकी स्टडी हम नहीं कर सकते। उसके बाद में जो अगली रिएक्शन आ रही है उसका नाम हमारे पास होगा वेरी स्लो रिएक्शंस, और वेरी स्लो रिएक्शंस जो होंगी एक ये बोल सकते हैं एक लॉन्ग टाइम में, मंथ हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, उसमें कंप्लीट होते हैं, और उनकी रिएक्शन की रेट को हम मेजर नहीं कर सकते, इसका एग्जांपल हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। और सबसे लास्ट में आ रहा था स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती हैं स्लो स्पीड से प्रोसीड होती हैं, और एक डेफिनेट टाइम में क्या होंगी, कंप्लीट होंगी, कुछ मिनट हो सकती हैं, सेकेंड्स हो सकते हैं, हावर्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसका एग्जांपल हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ परोक्साइड हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि ये दिया हुआ है R से P, तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है, इंक्रीज होती है आपके पास में। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो आपके पास लिखा हुआ है कि क्या आएगा, द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें निकालना होगा रेट ऑफ रिएक्टेंट, किसका निकालना है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की रेट निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और यहाँ लिखेंगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आ जाएगा माइनस डेल R अपॉन डेल T, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसका आ जाएगा आपके पास में, प्रोडक्ट का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू क्लास, बाकी बातें करते हैं कल की क्लास में।